नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महिला शक्ति के अनशन के आगे झुका एमबीएमसी प्रशासन के साथ अवैध बिल्डर, अनशन पर बैठी महिलाओं की हुई जीत। मीरा भाईंदर मनपा अंतर्गत सालों पुरानी इमारत के तोड़े कार्यवाही के आदेश के खिलाफ पिछले 13 दिनों से लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे 15 परिवार की महिलाओं द्वारा किए जा रहे अनशन का आज सुखद अंत हो गया। वहीं अनशन पर बैठी महिलाओं को मनपा द्वारा दखल दिए जाने के बाद बिल्डिंग निर्माताओं को झुकना पड़ा। एवं अनशन पर बैठी महिलाओं की सभी मांगों को मानते हुए लिखित में बिल्डिंग को रेगुलाइज कर इन परिवारों के ऊपर लटकती तोड़ कार्यवाही की तलवार को टाले जाने के बाद आज अनशन पर बैठी महिला शक्ति के चेहरे खिल गए। इन महिलाओं के अनशन के 10वें दिन सैफ न्यूज लाइव ने भी अनशन स्थल का दौरा करते हुए महिलाओं की खराब होती हालत पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई थी, जिसके महज 2 दिन बाद इन महिलाओं को इनका हक मिलने का रास्ता साफ होने के बाद चैनल इस मामले में महिलाओं को उनकी लड़ाई में साथ देने वाले सभी पक्षों का आभार व्यक्त करता है। आज मनपा में मामले का निस्तारण होने के बाद अनशन की सूत्रधार काजल मैडम ने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं मीरा भाईंदर की मशहूर समाज सेविका भावना तिवारी ने भी अनशन स्थल से सभी का आभार व्यक्त किया, जो आप देखिए इस रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। नमस्कार, मैं काजल परेश नाई बोलते हैं। आज 13 दिवसापासून मी आज इथे उपोषणाला बसलेली आहे। ते आज माझं उपोषण सफल झालेलं आहे आई भवानीच्या मुंबादेवीच्या पूजेने। मी तिचे आभार मानते, पहिली मातेचे। तिथमध्ये उपोषण आज 13व्या दिवशी मंगळवारी संपवलेलं आहे आणि आज मला या उपोषण संपवण्याच्या बदली विजय पाटील साहेबांनी हा एमओयू सही केलेला आहे। त्याच्यामध्ये सगळ्या आम्हाला आमच्या सोसायटीला जे जे पाहिजे आहे रेग्युलरायझेशनसाठी ते त्यांनी देण्याचं हे एमओयू लिखितमध्ये आम्हाला दिलेलं आहे। उद्यापासून आमची कन्व्हेन्सची प्रोसेस चालू होणार आहे, त्यानंतर मग आम्ही बिल्डिंग रेग्युलरायझेशनला प्लान, जसं महानगरपालिकेने सांगितलेलं आहे की तुम्ही रेग्युलरायझेशनचा प्रस्ताव सबमिट करा, तर तो आम्ही प्रस्ताव सबमिट करणार आहोत। तर आम्ही श्री विजय आनंद पाटील आणि आपले मीरा भाईंदरचे आयुक्त बालाजी हे श्री दिलीप ढोले साहेब यांची मी फार फार आभारी आहे की आज त्यांनी 15 परिवारांना रस्त्यावर येण्यापासून वाचवलं आहे। आज त्यांनी 15 परिवारांना रस्त्यावर येण्यापासून वाचवलं आणि आमचं रक्षण केलेलं आहे। ढोले साहेब, आपले फार फार आभार। तसेच महेश म्हात्रे यांनी हे आज 13 दिवस आम्हाला मंडप दिलेला आहे आणि वेळोवेळी मला मदत केलेली आहे, त्यांचे पण खूप खूप आभार। तसेच भावना मॅडम आज उपोषणाला बसल्यापासून 5व्या दिवसापासून त्या रेग्युलर येऊन मला मदत करतात आणि आज सकाळपासून त्या माझ्याबरोबर एमबीएमसीमध्ये होते, त्यांचेसुद्धा मी खूप खूप आभार मानते। थँक्यू व्हेरी मच भावना मॅडम। आणि श्री दीपक सावंत ज्यांनी प्रत्येक वेळेला माझ्या पाठी भाऊ म्हणून उभा राहिले आणि मला मदत केली, त्यांचेही मी खूप खूप आभार मानते। तसंच आपले महापौर हसमुख गल्लोट त्यांचेही खूप आभार मानते की त्यांनी माझी हे माझं काम आज त्यांच्या कृपेतून झालेलं आहे। हसमुख भाई थँक्यू व्हेरी मच। कृष्णा मॅडम थँक्यू व्हेरी मच। डिंपल मेहता मॅडम थँक्यू व्हेरी मच। आणि आम आदमी पार्टी तुम्हाला पण खूप खूप थँक्यू। परत हरीश सुतार तुम्ही सुद्धा येऊन माझी चौकशी केलात, तुमचे पण खूप खूप आभार। तसेच आपले गीता जैन मॅडमचे सासरे श्री मिठालाल जैन यांनी सुद्धा येऊन मला इथे भेट दिली आणि मला चौकशी केली आणि त्यांनी सुद्धा आम्ही घेतली की ते माझं काम करणार, त्यांचेही खूप आभार। मी सर्व जनतेचे मीरा भाईंदर ज्यांनी ज्यांनी मला सपोर्ट केला, पत्रकार बंधू आहेत सगळ्यांचे मी आभार मानते की हमारा संघर्ष अभी शाम तक जो समाप्त हुआ है, जहाँ मेरी मित्र कहूंगी क्योंकि इतने दिन से अनशन पर बैठते बैठते इनसे बहुत अच्छी मेरी दोस्ती हो गई, काजल नायक जी, मेरी इतनी सारी सहेलियां जो मुझे यहाँ मिली, इनका जो 13 दिन का अनशन था इनके खुद के वाजिब हक के लिए, इनके आशियाने के लिए जो तीन का जोड़ के इन्होंने बनाया था जिसे इल्लीगल करार दिया गया इतने साल के बाद, और थोड़ा कार्रवाई करने का जो आदेश दिया गया था, और इनका जो धरना था इस पर
जो 13 दिन से ये आमरण अनशन पर बैठी थी मेरी महिलाएं, मेरी दिव्यांग बहन, और बहुत ही संघर्ष किया इन्होंने, और इस संघर्ष में हम सभी इनके साथ रहे, जिसमें महेश जी थे, महेश मात्रे जी है, सचिन सावंत जी है, दीपक सावंत, हाँ हाँ दीपक, दीपक सावंत जी, हंसमुख गहलोत जी, हमारे महापौर, महापौर ज्योत्सना हंसनाले जी, हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर दिलीप भोले जी, सभी का हमको सहयोग मिला बहुत अच्छा, और आज बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है जिसमें इनकी सारी मांगे पूरी कर दी गई। बिल्डर ने खुद MOU साइन करके दिया है, कल से कन्वेंस भी होगा, और बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है कि 15 परिवार को बचाने का जो हमारा एक संघर्ष था आज पूरा हुआ। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।